क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर तीन पार्टिकल है एम मास के, तीनों का मास सेम है और एक किसी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, उसके कॉर्नर पर रखे हुए हैं, मतलब उसके वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। आर रेडियस है सर्कल का, तो हमें निकालना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन में उनके बीच का सेपरेशन कितना। जैसे मास, दो मास एम वन और एम टू रखे हुए हैं, उनका सेपरेशन अगर आ रहा है तो फॉर्मूला होगा माइनस जी एम वन एम टू गुणा आर। एक्चुअली ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, क्यों? क्योंकि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होगी। और आपको पता है ग्रेविटेशन में जो फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा माइनस साइन आएगा। तो पहले तो बी और डी ऑप्शन को तो हटा दो क्योंकि दोनों में पॉजिटिव दे रखा है, आंसर नेगेटिव ही आएगा। अब देखो आगे, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो तीनों की निकालेंगे। अब तीनों का मास देखो, ये जो बी सी, ए बी और ए सी, ये तीनों इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक पार्ट है। और यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे यू, तो वो ए बी और ए का सी के साथ और बी का सी के साथ निकालोगे। एक्चुअली क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास और सेपरेशन सेम है, तो आप किसी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी आप देखोगे वो सेम ही होगी। तो इसको मतलब ये है कि आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस जी एम वन इंटू एम टू, यानी कि दोनों मास बराबर तो एम स्क्वायर आएगा अपॉन में सेपरेशन कितना ए बी। ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर, सेपरेशन कितना आएगा ए सी, और यहाँ पर जी एम स्क्वायर, सेपरेशन कितना आएगा बी सी। और क्योंकि ये सब सेपरेशन इक्वल है तो मैं मान लेता हूँ इन सबको सेम मान लेते हैं, जी एम स्क्वायर अपॉन में मान लेते हैं लेट ए बी, ठीक है सेम ही है। तो क्योंकि तीनों सेपरेशन सेम है, तीनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ये होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। हम ए बी कैसे डिटरमाइन करें ए बी? तो देखो, अगर मैं देखो बी सी कोई भी एक साइड निकाल लेते, लेट बी सी निकाल लेते हैं आसानी के लिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूँ तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल मिल गया है जिसमें ये है 60 डिग्री, ये हाइपोटेनियस हमें दे रखा है, रेडियस आर के बराबर होगा, मतलब ओ सी, ये ओ, ये सी, और ये कोई पी पॉइंट मान लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो साइन थीटा की वैल्यू हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमें निकालना है ये पी सी की वैल्यू। पी सी को अगर मैं डबल कर दूँ तो पूरा बी सी आ जाएगा, ठीक है। बी सी किसके बराबर होगा पी सी के, तो पी सी निकाल लेते हैं। तो देखो ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया परपेंडिकुलर इस वाले एंगल के लिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन आता है साइन थीटा से। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो यहाँ पर साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है जो हमें निकालना है पी सी, और हाइपोटेनियस कितना है आर। तो पी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इंटू में साइन 60 डिग्री। अब हमें चाहिए बी सी, तो ये 2 टाइम्स होगा, एक्चुअली यहाँ पर 2 आएगा, जो बी सी है वो 2 टाइम्स होगा किसके, पी सी के। तो बी सी इक्वल टू आएगा 2 इंटू पी सी की वैल्यू आर और साइन 60 डिग्री। अभी साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वो हम पुट करेंगे √3/2, तो 2 से 2 गया। तो ध्यान रखना, वैसे भी कोई अगर मान लीजिए कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर है, उसके एंगल अंदर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी जो साइड आएगी वो √3r होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बस हम ए बी को क्या लिख देंगे, √3r। तो -3gm² / √3r, और देखो √3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो -√3 ऊपर मिलेगा जी एम स्क्वायर अपॉन में आर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इन दोनों में से, ऑप्शन सी, -gm² / √3।